वेलकम टू माय चैनल। और आज हम एक्सरसाइज 1.1 के न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। अब जैसे फर्स्ट न्यूमेरिकल का लास्ट पार्ट कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव की क्या डेफिनेशन थी कि मतलब a कोमा a r में हो जाए, कब, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू r, मतलब ये कंडीशन लेके चलो और ये चीज शो करनी होती है, सही है। सिमेट्रिक की क्या डेफिनेशन है, सिमेट्रिक की, ठीक है ना, कि a कोमा b लेके चल पड़ेंगे r में, और इसका अपोजिट मतलब b कोमा a अगर r में है तो सिमेट्रिक है, मतलब इस तरीके से, सही है। अब इसके बाद ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव की डेफिनेशन दो ऑर्डर्ड पेयर सिलेक्ट करने हैं रिलेशन से, सही बात। और दूसरा ये पोजीशन रिपीट होनी चाहिए, सही बात है, वो भी r में, और इसके बाद a और c का रिलेशन आ जाए r में, कुछ इस तरीके से, सही है, मतलब कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, ये बेसिक सी डेफिनेशन है। अब r, अगर मान लो यहां पर सिर्फ r डिफाइन करना हो तो r इन सेट a है, तो पता है किस तरीके से रिलेशन को डिफाइन करोगे, रिलेशन को किस तरीके से डिफाइन करोगे, r इन सेट a है, कोई दो एलिमेंट माने a कोमा b, सच दैट पहला यहां पर सिर्फ a में, मतलब पहला भी a में है, a बिलोंग्स टू a, मतलब पहला पहले से, दूसरा दूसरे से तो होता है, लेकिन यहां पर वही है इस तरीके से, सही है। इसके बाद a और r का कोई रिलेशन है, जैसे यहां पर x कोमा y की बात हो रही है, तो यहां पर ये बीच वाली कंडीशन नहीं लिखी हुई, मतलब ये वाली चीज, सही है, पता होनी चाहिए, मतलब ये यूनिवर्सल रिलेशन की बात हो रही है, यूनिवर्सल रिलेशन की बात हो रही, मतलब सिर्फ एक ही हो, मतलब r है a क्रॉस a पर, इस तरीके से, सही है, ये बात पता होनी चाहिए। अब इसके बाद, ठीक है ना, यहां पर चेक करना सबसे पहले कि जैसे इस तरीके से कि x कोमा y सच दैट x एंड y वर्क एट सेम प्लेस, सही बात है। तो मतलब हम क्या चेक करेंगे, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव का मतलब कोई एक एलिमेंट किससे, मतलब रिलेशन की कंडीशन को डिफाइन करता हो, सही बात है। जैसे मान लिया कोई भी एलिमेंट x या फिर a मान लिया, समझने, जो फर्स्ट का है a पार्ट है, a एलिमेंट सोच लिया हमने, मतलब इस तरीके से a बिलोंग्स टू r, सही है। और इसके बाद क्या होना चाहिए, a कोमा a, a कोमा a भी r में हो, और a कोमा a की कंडीशन क्या है, रिलेशन क्या है, ये है, मतलब वही है, इस वही का मतलब ये पढ़ो इसको, पहला जहां पर लिखा वहीं पर लिखना है, सही है, पहला a है इस तरीके से लिखो, सही है, दूसरा जहां पर लिखा हो यहां पर, तो एंड दूसरा भी वही है, कोई बात नहीं, a एंड a वर्क इन सेम प्लेस, अब ये तो बात वही है, वर्क एट सेम प्लेस, सही बात है। अब खुद का खुद से, अब मान लो कोई एक व्यक्ति समझ लो, जैसे उमन की बात हो रही, उमन बिंग, ठीक है ना, कोई एक उमन है, ठीक है ना, एक जगह काम कर रहा है, तो वो तो खुद ही है वहीं पर तो काम करेगा, मतलब ये बात सही है, सही है। तो फर्स्ट का ए पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा, ये रिफ्लेक्सिव है, थोड़ा इस तरीके सोचा करो, ठीक है ना, बस ये कंडीशन दिमाग में आनी चाहिए, काम चल जाएगा, तो ए रिफ्लेक्सिव है, सही है। इसके बाद नेक्स्ट, इसके बाद सिमेट्रिक के लिए ढूंढेंगे, मतलब कोई दो एलिमेंट लो, कोई भी ले सकते हो, जरूर नहीं होता ए कोमा बी, एक्स कोमा वाई के हिसाब से समझ लो, जैसे एक्स कोमा वाई डिफाइन है, इसलिए अब ए कोमा बी को पहले डिफाइन करो, मतलब ए की पहले की जगह पहला इस तरीके, या फिर एक्स कोमा वाई दिया हुआ है, वाई कोमा एक्स देख लो, उसका अपोजिट करना हमें, सीधी सी बात है। तो वाई कोमा एक्स क्या होता है, एक्स कोमा वाई, ठीक है ना, सबसे पहले वर्क एट सेम प्लेस, सही बात है। तो x कोमा y की कंडीशन क्या होती, पहले की जगह पहला लिखते, y एंड x, ये कहते, सही बात है। अब x और y एक जगह पर काम कर रहे हैं, y और x भी तो वहीं पर काम कर रहे हैं, मतलब ये बात सही है, सही है। तो मतलब ये सिमेट्रिक भी हो जाएगा, सही है, इस तरीके से। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजिटिव के लिए, ठीक है, अब इसके बाद, ठीक है ना, ट्रांजिटिव के लिए क्या, इस तीन एलिमेंट ढूंढो, तीन एलिमेंट जिनमें दो ऑर्डर्ड पेयर हो, सही बात है। तो a कोमा b, तो कोई भी मतलब a कोमा b मान लिया, तो a कोमा b क्या कहेगा, a कोमा b क्या कहेगा यहां पर, कि a और b सेम प्लेस पर काम कर रहे हैं, सही बात है। a कोमा b का ये मतलब है, दूसरा b कोमा c, तो b कोमा c का मतलब क्या हो जाएगा, b कोमा c बिलोंग्स टू r, मतलब b और c x और y की जगह जी टीज पुट करने, b और c भी सेम, मतलब सेम जगह काम कर रहे हैं। अब b तो सेम जगह काम कर रहा है, मतलब बी ए के साथ भी वहीं पर काम कर रहा है, बी सी के साथ भी वहीं पर काम कर रहा है, मतलब सेम प्लेस पर, मतलब ए और सी भी तो वहीं पर काम करेंगे, सही है, मतलब ए और सी भी आर में होगा, तो इस तरीके से आर में होगा तो ट्रांजिटिव, थोड़ा सोचना और कुछ नहीं, सही है। अब इसके बाद पार्ट बी, ठीक है ना, क्या है, एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स और वाई लिव इन सेम लोकेलिटी,
ठीक है ना, मतलब सेम जगह रह लिव कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से एक्स और वाई दो, तो मतलब कोई एक लेके चलो वही सही है। तो एक ओमा ए मतलब खुद भी तो वही, मतलब एक के लिए कोई एक उमन है, वो खुद भी तो उसी लोकेलिटी पर रहेगा, सही बात है। मतलब ये रिफ्लेक्सिव है, डायरेक्ट कह सकते हो, सही है। इसके बाद नेक्स्ट केस क्या हो जाएगा सिमेट्रिक के लिए, तो मतलब जैसे एक्स कोमा वाई मान लो दो पेर है, तो एक्स कोमा वाई सेम लोकेलिटी पे है, और इसका अपोजिट वाई कोमा एक्स भी तो उसी लोकेलिटी पर होंगे, मतलब ये सिमेट्रिक भी हो जाएगा, डायरेक्ट भी कह सकते हो, सही है। और इसके बाद लास्ट ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव के केस में दो ऑर्डर्ड पेर लेने हैं, जैसे यहां पर समझ लो ए कोमा बी, तो ए कोमा बी क्या कहेगा, ए कोमा बी एक्स की जगह ए रखना है, दूसरी की जगह दूसरा, तो मतलब ए और बी सेम जगह रह रहे हैं, एक दूसरा लिया बी और सी, फिर से वही बात आ जाएगी, ए और बी सेम जगह रह रहे हैं, बी और सी भी, और बी दोनों बार मतलब दोनों में सेम केस है, सही है, मतलब ए और सी भी सेम जगह रहेंगे, तो मतलब ट्रांजिटिव सेम लोकेलिटी पर, इस तरीके से। अब पार्ट सी, ठीक है ना, आर है एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टोलर, मतलब 7 सेंटीमीटर बड़ा कौन एक्स वाई से, सही बात है। तो अब यहां पर चेक करो, ठीक है ना, सबसे पहले एक के लिए मतलब खुद का खुद से, मतलब दोनों जगह ए पुट करोगे, एक्स की जगह भी ए पुट करोगे, रिफ्लेक्सिव के केस की बात कर रहे हैं पार्ट सी में, ठीक है ना, और वाई की जगह भी ए पुट करोगे। अब एक बात बताओ, क्या खुद कोई उमन है खुद से ही 7 सेंटीमीटर बड़ा हो सकता है, खुद के तो बराबर होगा, मतलब बराबर मतलब ये चीज गलत है, गलत है तो नोट रिफ्लेक्सिव, इतना सोचना है, सही है। इसके बाद इस पर पहुंच जाओ सिमेट्रिक पर, तो मतलब ए कोमा बी, ए कोमा एक्स कोमा वाई से समझ लो, एक्स कोमा वाई है कि एक्स बड़ा है वाई से, जैसे ये एक्स मान लो और वाई से, कितना मतलब दोनों का डिफरेंस है 7 सेंटीमीटर, सही है। और इसका अपोजिट भी रिलेशन में हो, मतलब अपोजिट क्या होता, वाई कोमा एक्स, वाई कोमा एक्स क्या कहता, यहां वाई कोमा एक्स को क्या कहोगे, पहले को यहां पर पुट करोगे, तो मतलब वाई एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर। अब एक टाइम पर तो एक ही चीज होगी, एक टाइम पर एक ही चीज होगी, मतलब एक्स वाई से बड़ा 7 सेंटीमीटर, तो ये थोड़ी ना कि वाई भी एक्स से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, मतलब ये चीज गलत है, गलत है तो नोट सिमेट्री, इस तरीके से। अब इसके बाद लास्ट ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव के केस में फिर से वही, ठीक है, तो मतलब ए बी, ए कोमा बी, ए कोमा बी का मतलब, ए कोमा बी का मतलब ए बड़ा है, समझ लो जैसे ए बड़ा बी से 7 सेंटीमीटर, ये बी कह लिया, सही है। बी कोमा सी का मतलब पहले वाला बड़ा है, पहले वाला बड़ा 7 सेंटीमीटर, मतलब बी बड़ा है किससे, 7 सेंटीमीटर सी से, ये मतलब ये सी मान लो, इस तरीके से, सही बात है। और हमें क्या चेक करना है, ए कोमा सी, ठीक है, तो ए कोमा सी, ए कोमा सी इतनी बात सही है कि ए सी से बड़ा, इससे मना नहीं कर रहे, लेकिन यहां पर बात ये भी हो रही है कि एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर, बी और सी का डिफरेंस था 7 सेंटीमीटर, ए और बी का था 7 सेंटीमीटर, लेकिन ए और सी का तो 7+7 हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, इस वजह से ये मतलब एग्जैक्टली 7 वाली बात ना होती, ट्रांजिटिव होता, मना नहीं कर रहे, टालर है, बड़ा है, ए बड़ा है सी से, इतनी बात सही है, लेकिन एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर नहीं है, मतलब कंडीशन गलत है, गलत है तो नो ट्रांजिटिव, इस तरीके से फाइंड आउट करने, सही बात है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट डी, इस तरीके से एक्स कोमा वाई, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, ठीक है ना, एक्स वाइफ है वाई की, दो उमन है जैसे एक्स और वाई समझ लो, ठीक है ना, इस तरीके से मेल फीमेल के हिसाब से, तो इसे किसी भी तरीके से समझ सकते हो, ठीक है। तो पार्ट डी, अब खुद का खुद से, अब क्या कोई खुद की वाइफ हो सकती है, बेसिक सी बात है, वो थोड़ी ना होगी, सोच लो, मतलब ये नॉट रिफ्लेक्सिव, इस तरीके से। अब इसके बाद सिमेट्रिक की बारी, तो सिमेट्रिक का मतलब एक्स कोमा वाई लेके चले, मतलब इस तरीके से एक्स कोमा वाई, एक्स वाइफ है वाई की, वाई कोमा एक्स क्या कहेगा, पहले की जगह यहां पर पुट करोगे, मतलब एक्स वाइफ है वाई की, तो वाई वाइफ थोड़ी ना होगी एक्स की, एक्स वाइफ है वाई की, तो वाई तो हस्बैंड होगा, सीधी सी बात, मतलब ये चीज फिर से गलत है, गलत है तो नॉट सिमेट्रिक, इस तरीके से। अब इसके बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, दो लेके चलो, मतलब एक बार चलो ए कोमा बी, ए कोमा बी क्या कहेगा, ए वाइफ है बी की, सही है, फिर बी वाइफ है सी की, ये थोड़ी ना होगा, ये यहीं पर गलत है, ये पोजिशन भी तो सेम होनी चाहिए और ये वर्ड भी रिपीट होना चाहिए। अब ए वाइफ है बी की, अब बी वाइफ है सी की, ये थोड़ी ना, यहीं पर ये चीज गलत है, गलत है तो मतलब नोट ट्रांजिटिव, इस तरीके से कह दो, सही बात है। इसके बाद और यहां पर एक और बात है, ये मतलब वाइफ की स्त्री की बात हो रही, सिर्फ मेल और फीमेल से मतलब है, ठीक है ना, यहां पर इस तरीके से, ठीक है, मतलब इससे एक्स्ट्रा नहीं, ठीक है। अब नेक्स्ट है इस तरीके से, एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स इज फादर ऑफ वाई,
ठीक है, तो मतलब ये कंडीशन गिवन है, ठीक है ना। तो पार्ट टी में क्या हो जाएगा, पार्ट टी में सबसे पहला केस, ठीक है ना। अब ए को माई खुद का खुद से, अब क्या कोई खुद का फादर हो सकता है, सोच लो, गलत है, मतलब नॉट रिफ्लेक्सिव। इस तरीके से फाइंड आउट करने एक लाइन का आंसर है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या, किस एक्स कोमा वाई के हिसाब से समझ लो कि एक्स कोमा वाई, एक्स फादर वाई का, तो क्या वाई भी फादर होगा एक्स का, ये थोड़ी ना, वो सन होगा, मतलब गलत है, गलत है तो नॉट सिमेट्रिक। अब इसके बाद लास्ट ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव के केस में दो लेके चलो, तो ए कोमा बी को क्या पढ़ोगे, ए कोमा बी को एक्स की जगह पहला पुट करना, वाई की जगह दूसरा, तो मतलब ए फादर है बी का, ए पहला फादर है बी का, ए फादर बी का, सही है। उसके बाद बी फादर है सी का, जैसे ए फादर है बी का और बी फादर है सी का, तो क्या ए सी का फादर होगा, फादर नहीं ग्रैंड फादर होगा, सही है। लेकिन यहां पर तो सिर्फ ये वर्ड है, मतलब कंडीशन गलत है, गलत है तो नॉट ट्रांजिटिव, इस तरीके से फाइंड आउट करने है, सही है। तो मतलब ये और ये दोनों केस जो पार्ट ए और बी है, तीनों के तीनों है, दोनों में रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, तो यहां से ये भी कह सकते हो कि मतलब जो पार्ट ए और बी है वो यहां पर इक्विवेलेंस रिलेशन भी है, क्योंकि तीनों कंडीशन दोनों के दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं इस वजह से। तो इस तरीके सॉल्यूशन फाइंड आउट करने थे, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।